उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह बहुत बड़ा है। पिछले दिनों जब जयपुर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसके गिरोह में शामिल अधिकतर बदमाश 19 से 25 साल के युवा हैं। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में कई नाबालिग भी शामिल हैं। 11 फरवरी को जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित बच्चों की जेल से 22 बाल अपराधी भाग गए थे। बच्चों की जेल यानी बाल सुधार गृह की खिड़की तोड़कर भागे इन बाल अपराधियों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक सदस्य शामिल था, जिसे पुलिस ने जी क्लब पर फायरिंग के मामले में पकड़ा था। 28 जनवरी 2023 की आधी रात को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को जयपुर के दुर्गापुर स्थित जी क्लब पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दरअसल लॉरेंस गैंग ने जी क्लब के मालिक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग का ट्रेलर दिया था। फायरिंग के 2 दिन बाद ही जयपुर पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 4 गुर्गों को पकड़ लिया। इनमें 3 बालिग थे जबकि 1 आरोपी नाबालिग था। लॉरेंस गैंग का यह नाबालिग गुर्गा पिछले 1 साल से जयपुर के बाल सुधार गृह में बंद है। बाल सुधार गृह में बंद लॉरेंस गैंग के इस नाबालिग सदस्य ने बदमाश बच्चों की एक कंपनी बना ली। यानी बाल सुधार गृह में बंद करीब 40 बाल अपराधियों में 5 से 7 बदमाश बच्चों का ग्रुप बना लिया। बच्चों की जेल में ही ये ग्रुप मनमानी करने लगा, क्योंकि बाल सुधार गृह में 1 दर्जन से ज़्यादा आरोपी रेप, पोक्सो और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में बंद हैं। इनमें से कुछ बच्चों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जाने लगा। ऐसे में बच्चों की जेल में भी वर्चस्व की जंग होने लगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े ग्रुप ने अपने आप को बाल सुधार गृह का डॉन बना लिया। 11 फरवरी को आधी रात बच्चों की जेल तोड़कर भागने के मामले की साजिश भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाबालिग गुर्गे ने रची थी। पुलिस जांच में यह पता चला है कि लॉरेंस गैंग के नाबालिग गुर्गे ने करीब 15 दिन पहले ही जेल तोड़कर भागने की प्लानिंग बना ली थी। जेल के स्टोर रूम के अंदर लगी लोहे की मजबूत खिड़की को आरी से काट लिया गया। लॉरेंस गैंग के सहयोगियों ने ही लोहे की जाली काटने के लिए जेल में आरी पहुंचा दी थी। 4-5 दिन लगातार धीरे धीरे लोहे के जाल को काटा गया और फिर 11 फरवरी की रात को बाल अपराधी फरार हो गए। एक एक कर कुल 22 बाल अपराधी सुधार गृह से भाग गए। पिछले 1 सप्ताह में पुलिस ने 15 बाल अपराधियों को पकड़कर फिर से बाल सुधार गृह में बंद कर दिया है। लॉरेंस गैंग के सदस्यों को जेल से बाहर मदद देने वाले 2 आरोपियों को ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 आरोपी जेल का गार्ड है जबकि दूसरा एक दुकानदार है। आरोपी दुकानदार नागौर जिले के मरोट के पास देवली गाँव निवासी महेश चंद जाट है, जबकि दूसरा आरोपी मनोज मीणा ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के खानिया बंदा का रहने वाला है। दुकानदार महेश चंद बाल सुधार गृह के बाहर चाय की दुकान लगाता है। चाय देने के लिए उसका बाल सुधार गृह में आना जाना रहता है। महेश ने बाल सुधार गृह के गार्ड मनोज मीणा के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य तक बाहरी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बदले में महेश को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से रुपये मिलते थे। बताया जा रहा है कि बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों के जेल तोड़कर भागने की साजिश में भी मनोज मीणा और महेश चंद की भूमिका थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।